अरे कहीं का ब्लैक दे देंगे, ब्लैक दे देना। हाँ तो हो गया क्या? एक मिनट, बोलो फोन डाउन फर्स्ट, उसमें डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है। कौन सा क्वेश्चन? की नहीं, अरे भैया पहले डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन नोट्स पे आते हैं, ठीक है? हाँ बोलो, डीपीपी 5 नहीं हुई, कोई बात नहीं, जितने हुए उतना पूछ लो, जितने हुए उतना पूछ लो, विक्ट्री सेकंड। अरे हार्मोनिक मीन ना, कल बत दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन 2ab/a+b ना, तो 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट अपॉन सम ऑफ रूट, तो 2 टाइम्स प्रोडक्ट इज c/a एंड सम इज -b/a, तो आंसर इज -2c/b। ए कैंसिल हो जाएगा, 2α/β/α+β, दिस इज व्हाट हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा ना, तो 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट अपॉन सम ऑफ रूट। क्या दिक्कत है आयल इसमें? हार्मोनिक मीन ऑफ रूट, इस रूट के, इस इक्वेशन के दो रूट है, उनका हार्मोनिक मीन। आगे बोलो, चलता है इतना नहीं हाँ, वो इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, चलो ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा, ये तो सिक्स्थ, जैसे सिक्स्थ हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस इज दिस, देन फाइंड हाउ मेनी मीन्स आर इंसर्टेड, दिस आंसर माई थी। क्या है आंसर इसका? आंसर बताओ बस मुझे, मेक इट फास्ट फास्ट फास्ट। कौन सा ABC? क्या ए है ना, तो मैं क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूँ इसको, द सिक्स्थ हार्मोनिक, हेलो लुक इनटू हियर, मतलब वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि द सिक्स्थ हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस इज 63/120, फाइंड हाउ मेनी मीन्स आर इंसर्टेड। अब एन निकालना है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, फोर्थ b+c। हाँ अरे तो बताओ, बताई तो रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, b+c, 1/b+c, 1/c+a एंड 1/a+b, किसमें है ये? यार थोड़ा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं पढ़ाऊँ, नहीं तो ये तो ऐसे मैं, मेरा कोई अटक नहीं रहा है, फिर बुरा लगेगा। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे बैठे थोड़ा तो यार। हाँ AP में क्या करूँ अब मैं, क्या प्रूफ करना है? a/b+c, आपको सोचो इससे a/b+c कैसे जनरेट हो सकता है, दैट यू हैव टू थिंक इट। याद है मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें कराया था ab+bc+c ऐड करवा के, वो उस टाइप का कुछ, तो उस टाइप का क्या सोचे हम कि a/b+c जनरेट होए? a/b+c मुझे इधर तक पहुंचना है, a/b+c, b/c+a, c/a+b। क्या करें बताओ, तो दिमाग थोड़ा लगा। अरे वो बंद बंद कर दो, आवाज आ रहा है ना थोड़ा। अब बताओ a/b+c कैसे जनरेट होगा? लाइट ऑन कर दो, चमके, अगर चमकेगा बोर्ड तो छोड़ दे, बंद कर देना, नहीं तो है ही नहीं इधर, सही ऊपर है ही नहीं, चलो जाने दो। हाँ क्या करूँ मैं?
अच्छा मुझे पता है कि ये एपी में, और एपी को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, किसी मतलब एक फिक्स नंबर से सारे इनको, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? ए प्लस बी प्लस सी से। तो ऊपर लिख दिया इन तीनों नंबर्स को मैं ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। अब एक मिनट रुकना चमका ईश्वरी, अब क्या करूँ मैं कि इस टाइप की चीज जनरेट हो जाए? बस खत्म। अब हम इसे ब्रेक कर देते हैं इतने पार्ट में, इधर ए और सी इसको क्लब करेंगे, इधर ए और ये क्या लिखा है, बी लिखा है। तो मैं ए अपॉन बी प्लस सी प्लस वन, फिर बी अपॉन सी प्लस ए प्लस वन, और ये हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस बी प्लस वन। अच्छा किस, अब कुछ भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकता हूँ मैं, बट तीनों से करना पड़ेगा, तो माइनस वन कर देता हूँ तीनों में, तो रिजल्टिंग सीरीज इन ए बी। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फिफ्थ, एक्स वाई जेड आर इन एच पी, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड आर इन एच पी, तो क्या निकालना, देन लॉग ऑफ एक्स प्लस जेड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस जेड माइनस टू बाय इज इक्वल टू। अच्छा क्या होगा हमारा एच पी में, तो वाई इज टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, वाई इज हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स एंड जेड, तो टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, जस्ट सब्स्टिट्यूटेड हियर, और कुछ नहीं करना, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस जेड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस जेड और माइनस टू वाई, तो माइनस फोर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस जेड, तो एक्स जेड, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस फोर एक्स जेड, दैट इज एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और ये लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी, तो एक्स प्लस जेड इसका और इसका डिनोमिनेटर वाला वो कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट आउट विद लॉग ऑफ एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, तो टू आगे लेके लिख सकते हैं। क्लियर हुआ रायन? नेक्स्ट, तुम आज आए नहीं थे, तुमने बोला था ना कल आओगे, आज आए नहीं थे तुम, पता नहीं था तुम दिया उसको, और रखा था अभी अभी, मैं तुम्हें देता हूँ मतलब आंसर जी, मैंने निकाल के रख लिया कागज में। नेक्स्ट आज का उससे इजी होगा था ना, बहुत इजी था, तो 95 आना चाहिए। नेक्स्ट एट, एक एपी है उसका एम प्लस वन एथ टर्म क्या होगा, मान लो उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस एम डी, तो क्या बोल रहा है, ए प्लस एम डी कॉमा एन प्लस वन एथ ए प्लस एन डी एंड ए प्लस आर डी, दीज आर व्हाट, एम प्लस वन एथ एन प्लस वन एथ एंड आर प्लस वन एथ टर्म ऑफ अ जी एपी। अब बोला ये तीनों आपस में जीपी में, ये तीन टर्म्स, तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, यानी यू हैव टू जस्ट रीअरेंज द टर्म्स, नहीं हुआ, और वो फैक्ट यूज करना उसमें, एम एन एन आर आर एच पी, चलो करते हैं इसको पूरा, एम एन आर एच पी में है, किस किस का आया, नहीं किया, नहीं किया कि आया नहीं किया, नहीं तुम्हारा लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, इट इज योर लॉस। मतलब तुम तो कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने तुम लोगों को, इसमें तो कम ही थे ना, 15 क्वेश्चन तो थे ही यार, वो भी नहीं किए, योर विश, छोड़ो इन दो, ये तीनों नंबर आपस में एपी में एच पी जी पी में है, तो ए प्लस एम डी इंटू ए प्लस आर डी इज इक्वल टू ए प्लस एन डी का स्क्वायर, बस अब बीच में ये फैक्ट यूज कर लेना, n is equal to 2mr upon m plus r. Using this fact and this equation, you'll get the ratio a and d का ratio. Cut पट जाएगा सब terms. करो नहीं तो एक बार करो, complete करो इसको, चलो एक बार निकालो क्या आ रहा है इससे.
मैंने बोला यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन फाइंड द रेशियो ऑफ, उसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस टू द फर्स्ट टर्म, मतलब डी बाई ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ एन, या फिर डी बाई ए इन टर्म्स ऑफ एन यूजिंग दीज टू इक्वेशन. तुम्हें लगता है कम होमवर्क लो, अगर तुम्हें लगता है 15 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो 10 ही लो, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओ. क्लास में बिल्कुल मजा नहीं आएगा. तुम लोग चलते आज एडवांस की बुक लेके आए, तो मैं कहा चलो आज मजेदार मस्त क्वेश्चन करेंगे उसमें से. देखो दो बुक लाया और आज टिक करके आया था कि मैंने कहा ये क्वेश्चन कराने एडवांस के. एक घंटा पढ़ो, मैं ये नहीं बोलता ज्यादा पढ़ो, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स बराबर पढ़ो. कभी नहीं बोलूंगा मैथ्स ज्यादा पढ़ो, बिल्कुल नहीं. एक घंटा तो पढ़ो कम से कम घर जाके. दो सब्जेक्ट रात को कवर कर लिया, एक सुबह उठने के बाद कवर कर लिया, या सुबह दो कर लिया एक रात को कवर कर लिया, जल्दी सोते हो तो. मेहनत करना पड़ेगा. नेक्स्ट हो गया, आया फास्ट पेन चलो, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट फास्ट. ओपन करो ब्रैकेट, ए स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, फिर एम प्लस आर आएगा इधर इंटू डी, एम आर इंटू डी, एम इंटू आर की वैल्यू उठा के रख दो. एक कम करो, एम इंटू आर जहां जहां आए ना वहां से लिख देना, एन इंटू एम प्लस आर बाय टू, अपने आप हो जाएगा देख लेना तुम. एम आर इधर आएगा कहीं तो ओपन करेंगे तो, या एम प्लस आर आएगा, एम आर भी आएगा, एम आर डी. जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी.
साहिल ने किया, उस क्लास में बात पूछ लेना उससे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि नहीं रैन, डाउट नहीं कोई, पूछ लूँ मैं कुछ भी। सॉल्व नहीं किया, ठीक है जान। टेंथ, टेंथ इज इन, वी हैव डिड इन ट्रिग्नोमेट्री, नोट्स निकालो, 100% है उसमें, मेरे नोट्स में तो है, तुम्हारे में होना चाहिए। सिंपल मतलब यार, वेरी मतलब प्रोसीजरल ही है ये। तीन नंबर एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल, फिर एलसीएम लोगे, टर्म्स को इधर उधर करोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे, तो यू विल गेट साइन स्क्वायर एक्स इन, है क्या ट्रिग्नोमेट्री में, इतने में तो मैं कर ही दूंगा, फिर ज़्यादा ही। सिर्फ 30 सेकेंड सर्च करना, 30 सेकेंड्स। बहुत पहले है, हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था उस वक्त। कोई बात नहीं, मिला, मिल गया एग्जैक्टली नहीं, मतलब ऐसा नहीं लिखवाया मैंने, दीदा ने एचपी, मैंने तो इक्वेशन दी थी साइन उसमें, फिर बोला था शो दैट दिस इज इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या फिर शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट के फॉर्म में था। चलो जाने दो, रहने दो, बाद में देखना, मैं कर देता हूँ। तो बीच वाला टर्म, ये तीनों एचपी में है, तो साइन एक्स बीच वाला टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू साइड वाले टर्म डिवाइड बाय उन दोनों का सम, तो ट्वाइस ऑफ, छोड़ो अब इधर देखो, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब थोड़ा तो यार, मतलब इसमें क्या करना है बताओ ना, ये मतलब तीन स्टेप का है यार, ओनली 3 स्टेप्स। अब तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर नहीं पता तो फिर तो फिर उसका फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो टॉप फैकल्टी भी आ जाए इंडिया का तो भी कुछ नहीं कर पाएगा रियली, मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ, और टॉप फैकल्टी भी आ जाए बंसल का, कहीं का भी, एलन का, तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब यार ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं है, साइन सी प्लस साइन डी, बस ये दो फॉर्मूले लगाने अगले लाइन में आंसर, तुम्हें चाहिए प्रॉपर मतलब पूरा सब कुछ मिल जाए, हमें बस दिमाग ना लगाना पड़े, ऐसा नहीं होता यार, जी है थोड़ा योर विश। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट कोई डाउट कोई, ठीक है जाने दो। और कुछ क्वेश्चन उसमें डाउट है क्या, क्या कराऊं तुम लोगों को यार, क्या क्वेश्चन डाउट है आपस में कर डिस्कस कर लेना, अगर नहीं हुआ तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। करो एक क्वेश्चन करो, फास्ट करना है, ठीक है ना, जस्ट लाइक एग्जाम। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन 7 अल्फा माइनस 5 इसका पावर r प्लस 1 अपॉन 7 बीटा माइनस 5 इसकी पावर r, और हमारा जो n है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है पूरे पे सिग्मा लगाए। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² माइनस 5x माइनस 1, देन वी हैव टू फाइंड सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू n वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन मेंस, मेंस लेवल के हैं ये क्वेश्चन, मेंस से थोड़ा अच्छा।
वन मिनट। वन मिनट। अल्फा ए अपॉन वन माइनस आर, वन अपॉन वन माइनस अल्फा।
सिंगल इन वन अपॉन वन माइनस बीटा, अब उधर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, अच्छा तो वो क्या हो जाएगा, टू माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन वन माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस, हाँ वो सब रूट में प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हम रूट से भी करते हैं, इसको कैसे करते हैं याद है किसी को, क्या करेंगे हम जैसे अगर मान लो इसको इसको निकाल लेगा, मैं तो बोल सकता हूँ हम ऐसा क्वाड्रेटिक निकाल लें जिसके लिए दोनों रूट से हमें समझ कुछ जरूरत पड़े, मैंने बोला हम ऐसा क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं जिसके रूट्स आए 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, तो मैंने मान लिया गामा, फिर क्या करते थे अल्फा को गामा में डाल देते थे, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन गामा, तो अल्फा 1 माइनस बनता है गामा, पर अल्फा इसका रूट है, इससे क्या होगा गामा में क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट इज माय आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट इज क्वाड्रेटिक, करो करो जल्दी फाइनल आंसर बताओ, दोनों मेथड से निकालो, देखो क्वाड्रेटिक भी रिवाइज हो जाएगा हमारा, कितना है आंसर, नहीं आंसर फाइनल आंसर 2 माइनस ऑफ सम ऑफ रूट डिवाइड बाय 1 माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कुछ, माइनस 9 बाय वैल्यू प्लग करो 2 माइनस सम ऑफ रूट इज 5 बाय 7 9 सिंपल यार, मेथड 2 से निकालो फास्ट, वो गामा उसमें रख के अल्फा में जो सॉरी अल्फा उसमें रख के गामा में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका सम ऑफ रूट भी देखो 9 आना चाहिए, जस्ट यू हैव टू प्लग दैट अल्फा एंड मेक अ क्वाड्रेटिक इन गामा, उस गामा में जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स का सम इज माय आंसर, हुआ चलो अब कर लेना घर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सिंपल, अब बहुत सिंपल लेकिन देखते हैं कौन सबसे पहले कौन निकालता है, 3 अपॉन 11 प्लस 33 अपॉन 11 स्क्वायर प्लस 333 अपॉन 11 क्यू एंड सो ऑन, द सीरीज इज गोइंग टिल इंफिनिटी, 3 अपॉन 11 प्लस 33 अपॉन 11 स्क्वायर प्लस 333 अपॉन 11 क्यू एंड सो ऑन, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यह इस टाइप का हमने, ठीक है ना, जल्दी फास्ट मैक्सिमम 1 मिनट,
एक्स्ट्रा कुछ आगे लेवल पे अपन आगे देखो तो ये तो वैसा केवल भी होता है नहीं भी होता क्या वो पार्ट है लग रही है यार नहीं नीचे थोड़ा बहुत अब मुझे डाल दो वो कोई सेम क्वेश्चन दे दो सर अपन बता दो सर एक लाख करो बाहर आ क्या बात है थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं चलो करते हैं सवा दो थ्री कॉमन लेते हैं नाइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सिंगल स्टेप पे लिख रहा हूँ इधर आएगा नाइन उसको मैं लिख रहा हूँ टेन माइनस वन अपॉन इलेवन प्लस टेन स्क्वायर माइनस वन अपॉन इलेवन स्क्वायर प्लस टेन क्यूब माइनस वन अपॉन इलेवन क्यूब तो बस एक जीपी बन गया विद कॉमन रेशो टेन बाई इलेवन और दूसरा माइनस वन बाई इलेवन दैट इज अगेन अ जीपी विद अ कॉमन रेशो वन बाई इलेवन मैं कहता थ्री बाई नाइन इधर तक क्लियर हुआ थ्री को अंदर लिया बाहर लिया ऊपर नीचे नाइन से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नाइन को अंदर लेके गए फिर नाइन को लिखा टेन माइनस वन नाइनटी नाइन को लिखा टेन स्क्वायर माइनस वन अब मैं बोल रहा हूँ एक तो ये जीपी बनी दिस प्लस टेन बाई इलेवन का स्क्वायर एंड सो ऑन और माइनस करके एक और जीपी भी बनी वन बाई इलेवन प्लस वन बाई इलेवन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन That's it. This is the GP with a common ratio 1 by 11. This is the common GP with a common ratio 10 by 11 plus A upon 1 minus R infinite. Time lagna chahiye. Koi nahi next. Ab thoda advance tu kya ekad? Ki abhi pehle AC level ka chale. Chalo ek aur acha question hai. Ye bhi theek hai matlab. Likho. A X Y Z B, R in AP, ये तीनों AP में हैं, and X plus Y plus Z, X plus Y plus Z is equal to 15, and if A, X, Y, Z, B, R in HP, कोई सेम ही नंबर है A, X, Y, Z, B, R in HP, then and 1 upon X plus 1 upon Y plus 1 upon Z is equal to 5 by 3. Find A and B. Find the numbers A and B. A or B nikalna hai. 2 minutes. मैक्सिमम दो मिनट लाइक है नहीं एक मिनट ही बहुत है
बिना दे, अरे कुछ क्वेश्चन जब मैंने बोला ना कोई अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आज, तो मतलब थोड़ा दिमाग अच्छा लगाना होगा, लगाना होता ठीक ठाक, हमें बोर्ड की तरह सॉल्व नहीं करना कि यार वो देखो ना डाटा क्या दिया है, फॉरगेट अबाउट सेकंड इन्फॉर्मेशन, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एपी में है, एक्स वाई जेड आर द मिडिल थ्री टर्म्स, या फिर तो मी इसका मैंने बोला इन पांचों का मीन कितना होगा, तीन नंबर लिए तो तीन से डिवाइड करना पड़ेगा फाइव, तो और ए और बी के टर्म्स में क्या लिखूंगा मीन, ए प्लस बी बाई टू, तो ए प्लस बी बाई टू इज फाइव, तो ए प्लस बी इज टेन, तो एक सिंपल सा इक्वेशन नहीं बन गया डायरेक्टली, पता नहीं लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट करके इक्वेशन लेके आए, केवल मीन का हमने लगाया, कितनी जगह यूज हो चुका है ये मीन वाला पार्ट, टर्म सिमेट्रिक फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, उनका मीन सेम रहता है, क्लियर हुआ यहाँ तक, सिमिलर हियर ऑल्सो, अब ये नंबर एच पी में है तो इनके करस्पॉन्डिंग वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, वन अपॉन बी, दीज आर इन एच पी, अगेन अब मुझे ये तीनों का सम पता है, तो मैंने बोला इस सीरीज का मीन कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय थ्री, अब इन इस सीरीज का मीन एक और कैसे लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस बाई टू भी लिख सकते हैं, या फिर एच पी की तरह भी ट्रीट कर सकते थे, बट ऑलरेडी एक्चुअली नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी हमें इस फॉर्म में दे रखा है ना इन्फॉर्मेशन, क्या बोला मैंने कहा इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन क्या लिख सकता हूँ मैं, एक तो मिडिल थ्री नंबर्स डिवाइड बाय थ्री, मिडिल थ्री नंबर्स का सम ऑलरेडी दे रखा है फाइव बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, अब मैं मीन अर्थमेटिक मीन अब आजू बाजू वाले के टर्म से लिख रहा हूँ, तो वन बाय ए प्लस वन बाय बी डिवाइड बाय टू, दैट्स इट, तो इधर से ए प्लस बी तो उठा के रख दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट आ जाएगा, ट्रिकी नहीं है क्वेश्चन थोड़ा, दोबारा बताओ, मैंने बोला कि ये तीन नंबर पांच नंबर एपी में है ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिक फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल ना, तो ए प्लस बी बाय टू इज व्हाट अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एंटायर सीरीज, और मैंने कहा इन तीनों के टर्म्स में कैसे लिखूं अर्थमेटिक मीन, इन तीनों का सम डिवाइड बाय थ्री, अब इन तीनों का सम ऑलरेडी दे रखा है 15, इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या आया 5, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी इज 10, चलो नेक्स्ट, देखो लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए टेन, ए वन जीरो वन सॉरी ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए वन जीरो वन आर इन जी पी, आर इन जी पी एंड ए फिफ्टी वन इज इक्वल टू 25, ए फिफ्टी वन इज इक्वल टू 25 एंड सिग्मा ए आई आई गोज फ्रॉम 1 to 101 दिस इज इक्वल टू 125, दिस इज इक्वल टू 125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ए आई आई गोज फ्रॉम 1 to 101, ए वन ए टू अप टू ए 101 आर इन ए GP.
किसी का आया? चलो करें हम स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई। किसी का नहीं आया? नो वन? क्या हो रहा है आज? एक भी आंसर नहीं जवाब दे रहे हो तुम लोग। क्या वो पार्टी ला शांत पड़ गए? कुछ पढ़े पढ़ाई वढ़ाई इतनी की है? चलो देखते हैं ना। अरे मेरे को क्या, तुम लोगों का लॉस होगा 10-12 क्वेश्चन करने अपने को, क्योंकि ऑलरेडी वी आर लैगिंग वन लेक्चर। ठीक है ना, मुझे अभी 3 लेक्चर विनोद सर को देने हैं, क्योंकि उनके लिए देना अपन ने, तो अपन 2 दिन लेक्चर पीछे चले जाएंगे अपन। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, अगला ट्राई कर लेना, ये देख लेते हैं। क्या, कौन ने जवाब दिया? वेरी गुड, परफेक्ट। Can you explain? Very good यार। एक तो मलना चाहिए ना, हम तो बंदे की जो कर ले, तो वो पतला चलता ही नहीं। Look at तब लोग देखो, तो देख बोलना था। If we observe this series, so we get the middle term is cut. So gi, so gm ka unka product, the gm will be equal to this. Means a1 into a1 to a1 will be equal to 25 square. Okay, 25. 25 square. 25 square. 25 square.
मतलब रूट ऑफ दैट विल बी इक्वल्स टू 25 तो वो इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर ठीक है तो 1 अपॉन a1 प्लस a2 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन a101 अब क्या करें हम वी विल मल्टीप्लाई वन अपॉन ए वन ए एन से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे न्यूमरेटर वाले को अंदर लेके गए द रीजन इज ए वन इनटू ए एन इज कांस्टेंट दैट इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन नाउ बाय ज्योमेट्रिक मीन यू नो दैट ए वन बाय ए एन इधर क्या किया तुमने यहां पर किसको लेके गए हां वही तो a1 into a101 is same as a2 into 100 a99 so we say yeah we have to win this here a100 थोड़ा सा क्लियरिटी करो ना क्या क्या डाउट है क्या समझे उसी से पूछो मैं एक और मेथड बताऊँ ठीक है चलो अपन देखते हैं एक और मेथड ठीक है क्या हो गया बंद करने रहे जीपी मान लेता हूँ मैं ठीक है ना और जीपी देखना मैं कैसे ले रहा हूँ लुक एट हियर देखो इधर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं जरूरत पड़े इन देखते हैं सीरीज 101 टर्म होगा 50 इधर 50 उधर बीच में ए ठीक है इस इक्वेशन से सिग्मा ऑफ दिस तो मैंने ए को कॉमन लिया एडिशन ऑफ दिस टू ऑल दिस 1 अपॉन आर की पावर 50 प्लस 1 अपॉन 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर प्लस डेट डेट डैश आर की पावर 49 प्लस अब क्लिक कर गया होगा बहुत से बच्चों शायद से मैं क्या करने वाला हूँ दिस इज गिवन एज 125 अब ध्यान से देखो मुझे निकालना क्या है इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे सेम ही आएगा तो ए का फर्क पड़ जाएगा मतलब ये एक्चुअली क्या लिखा है और मैं इनको उल्टा करूँगा तो ये होगा आर की पावर 50 अपॉन ए प्लस आर की पावर 49 अपॉन ए प्लस एंड सो ऑन आर बाय ए प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए आर 1 बाय ए आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ए आर की पावर 49 प्लस 1 अपॉन ए ए 1 बाय ए कॉमन ले लूं अब इधर जो बचा बेसिकली वो क्या बचा यही बचा है जो इधर ब्रैकेट लिखा है एंड दैट इज नथिंग बट सही लिखा है ना ठीक है कितना बचा 125 बाय ए नहीं इसकी जरूरत पड़ गई ठीक है जरूरत पड़ गई मिडिल टर्म अभी क्लियर हुआ दिवाकर नहीं हुआ अच्छा ठीक है ना तो 25 इधर लिखेंगे अपन तो 125 अपॉन 25 का स्क्वायर दैट इज 1/5 आसान रहा ये शायद से ऐसा लग रहा है
टाइम मत देखो पाटिल, कब बजे हम बाहर जाऊं घूमू। चलो और अच्छी क्वेश्चन, चलो एक अब एक 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 एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ऑप्शंस आर A912 एंड मल्टीपल करेक्ट MCQ, मतलब मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा क्या लिखा है? एक ए एन को उसने बोला, डिफाइन उसने किया, ए एन इज 1111 एन टाइम्स। तो जैसे अपने मैंने A912 है तो 912 बार 1111 वो बताना है वो प्राइम है या नहीं है। A951, A480, A91, सिंपल है बहुत। क्या ए 480, 480, 4 के पहले ए, A91 आंसर डी डायरेक्ट। चलो आंसर बता देता हूँ, हिंट इज ऑल ऑफ दिस शॉर्टलिस्ट करने का। क्या डायग्राम? अच्छा LOT ये है। चलो हिंट दूं, क्या हिंट दूं उसमें सब कुछ तो फिर है बच्ची वो। चलो दे देता हूँ, मेरे को क्या जा रहा है। हिंट एंड दैट इज वैलिड हिंट। कितना टाइम बचा है अपने, बोलो। पहले चलो पे ABC। अच्छा प्राइम मतलब क्या होता है? जिसको अपन फैक्टराइज ना कर पाए ना, तो इसने अगर ऐसे बोला ना दिस इज नॉट अ प्राइम, मतलब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये ऑप्शन करेक्ट है, और सिंस दिस ऑप्शन इज करेक्ट देयरफॉर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। बता दूं फर्स्ट थ्री ऑप्शन आर वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। 912 बार 111 लिखा है, सम ऑफ डिजिट इज 912, दैट इज मल्टीपल ऑफ, दैट मींस 912 बार अगर मैं 111 लिख रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, दैट विल बी डिविजिबल बाय 3, हेंस दिस इज नॉट अ प्राइम। A951 अगेन 3 का सम, नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम। व्हाट अबाउट डी ऑप्शन? मेन जो दम है वो डी ऑप्शन में ही है। क्या 100? A91 लिख के तो देखो, A91 क्या हो रहा है, मतलब पूरा लिख के नहीं देखना, मतलब सीरीज बना के।
951 आ रहा है ना, A21, A33। अच्छा ऑड वाले सारे होंगे, 11 से डिविजिबल होते, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है मुझे बताना थोड़ा। ये 1-to-1 वगैरह टाइप नहीं लिखी है, 11 की डिविजिबिलिटी बताओ कोई। क्या होती है 11 की डिविजिबिलिटी मुझे बताओ, मेरे को याद नहीं रही। माइनस दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 11, तो इसमें हाँ वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक है, लेकिन वो ऑड के लिए नहीं। हालांकि इसने सही बोला, अगर मान लो हमारे पास ऐसा ऑप्शन दिया होता इवन वाला, तो मतलब ये तो वैसे ही डायरेक्ट रिजेक्ट होगा ए एंड सी, तो उस कॉन्सेप्ट से। तो ए एंड सी के लिए सेकंड एक्सप्लेनेशन गो, समथिंग आई लर्न टुडे, A912 एंड A40 इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से दैट विल बी डिविजिबल बाय 11 ऑल्सो। द रीजन इज 11 की डिविजिबिलिटी इज इवन प्लेसेस का सम माइनस ऑड प्लेसेस का सम शुड बी डिविजिबल बाय 11, एंड सभी 111 है और इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, मतलब 10 हैं, तो 5-1, 5-1 दोनों का डिफरेंस है 0। तो जो ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन सी है वो दोनों में तो 3 का फैक्टर भी आना ही आना है, 11 भी आना है। तो हम इसको और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं कि दिस इज ए एंड सी ऑप्शन को डाल के कि विच इज मल्टीपल ऑफ 33 एंड सो ऑन लाइक दैट, वी कैन मेक इट। टू इज द टू, मतलब उसके क्या रीजन, मतलब इधर क्या इवन कैसे भी हो, समझा नहीं इधर किधर की एप्लीकेशन है उसका, समझा नहीं मैं। ए, बोलो बोलो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ A91 का क्या करें, ये कंसेप्ट लगाओ A91 के लिए। अब हिंट दे दी मैंने, यूज दिस कंसेप्ट। ऐसा क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, मॉडरेट लेवल पे ही होते हैं। एटलीस्ट पार्शियल मार्किंग तो कर ही सकते थे हम, तीन नंबर आ गए बहुत अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, एक ऑप्शन छोड़ दिया, दैट इज ओके। बट लर्निंग के लिए A91 मतलब ये ऑप्शन बोल सकते हैं, इसका थोड़ा हाई लेवल का पार्ट है थोड़ा सा। हाँ क्या करें बोलो, मैंने बोला इसको लिखोगे कैसे, चलो जाने दो, अब ध्यान से देखना भाई। हाँ जैसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 3 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 0। हाँ है ना, तो A91 को मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन। ये तीन बार है तो 2 तक जाएगा, तो मतलब 91 है तो 10 की पावर 90। अब मुझे प्रूफ करना है कि दिस इज नॉट अ प्राइम, दिस इज अ जीपी। तो जीपी का सम 1 आर की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स आर 91, एन प्लस 1 नहीं 91, माइनस 1 अपॉन 9। अब मुझे प्रूव करना है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्या करें। 91 का फैक्टराइज क्या क्या होता है, 91 का क्या 13 × 7 पक्का, हिंट दे दिया मैंने। अब मजेदार चीज आने वाली है बहुत, एक सेकेंड, ये आई
हाँ बोलो दोबारा एक बार और। हाँ तो क्यों, लेकिन व्हाट इज द रीजन? वो तो तुमने छोटा नंबर का, अब उधर थोड़ी दोगे कि मैंने छोटे नंबर का कैलकुलेट किया वो नहीं हो रहा तो मैं इसको जनरलाइज कर दूँ। समथिंग रीजन शुड भी दिया ना। एक होता है मैथमेटिकल इंडक्शन करके, वो ठीक है, बट क्या? हाँ हाँ, तो ये कैसे बोलेंगे? क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो तुम इसको? हाँ बोलो। मेरे को पहले क्लियर नहीं है। हाँ नहीं, उसी से तो बोल रही हूँ, माइनस वन करने के बाद ही बोल रही है ना। चलो मैं बताता हूँ क्या सेकंड और ये कौन सा लॉजिक था, मतलब मैं भी समझ नहीं पाया ये तो यार। क्या करना है सॉल्व इसकी हेल्प से? हिंट दे दूं? नहीं मैं अभी भी नहीं आया, किस किस को समझा अभी है? अभी समझा? अभी भी नहीं समझा? अभी तक समझा? अभी तक किस किस को समझा? अभी तक इतने, अभी भी कभी लोगों को समझा कि अभी भी घूम गया ना, बहुत फास्ट किया मैंने ना। इसके बाद बचता क्या है? थोड़ा सा पार्ट वो बता रहा हूँ, ठीक है? ये ध्यान से देखो इसको, r की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन r, r की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन r माइनस वन, दैट इज नथिंग बट अ जीपी, जिसके टर्म्स आर विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड द कॉमन रेशियो विल बी 10^7। तो ये वाला जो ब्रैकेट बनाया ना मैंने, ये घुमा के थोड़े 8 टाइप, अब आ गया समझ में? देखना मैं ये वाला ब्रैकेट लिख रहा हूँ, and the next bracket is 10 tab dekh lo abhi wahi haath pakadna kisko pura acche se को देख के उठाना है। पांच, कोई नहीं, आपस
आजू बाजू से पूछ सकते हो, इसको समझा उससे पूछो। उल्टी चीज है घुमाव। कुछ चीज नहीं आ रही समझ में, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कुछ हो रहा है, तो यू शुड टॉक टू द टीचर योर मैनेजमेंट। बट डेली नहीं करके आना, कल भी तुम नहीं करके आए थे, आज भी तुम करके नहीं आए हो। जो मैंने पूछा था व्हाट इज द यूज, खैर तुम्हारी मर्जी, जाने दो, पढ़ाई करो, अभी भी बोलूँगा थोड़ा, ठीक है, करके आओगे कल मंडे को, सोचता हूँ। नहीं तुमने डीपीपी भी नहीं, वो टॉपिक छोड़ो, चलो नहीं आया, वो तो बहुतों को नहीं आया, तुमने डीपीपी नहीं की थी आज, तुमने बोला ना कल भी नहीं की थी, कल तुमने क्या बोला था, 1 2 3 की, मैंने 4 नहीं की, आज तुमने क्या बोला, 5 नहीं की, 4 हो गई। यार मौका अच्छा है, उठा लो ना, ये सवा साल पढ़ना है बस, सवा साल भी नहीं रहेगा ना, देखो डेट आएगी एग्जाम की जनवरी फरवरी में है, और अगले साल तो जनवरी में होगा, पक्की बात है, क्योंकि इस बार तो एक महीने डिले हुआ, तो सोचो तुम्हारे पास एग्जैक्ट एक मंथ, एक साल है, पूरा एक साल, ओनली वन ईयर, उसमें भी तुम्हारा 3-4 महीने पहले, 3 महीने अभी से 2 महीने पहले सिलेबस हो जाता है, मतलब पढ़ने का तो तुम्हारा 11 महीने ही रह गया है, 10 से 11 महीने जो पढ़ाई होगी तुम्हारी, बाकी उसका तो रिवीज। करें नेक्स्ट, चलो एक बार ये भी ठीक है थोड़ा, इन ए ट्राइंगल एबीसी cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2, एक क्वेश्चन दे दी, ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन sin A sin B sin C RN AP GP HP क्या, देन sin A कॉमा sin B कॉमा sin C RN AP GP HP बताना है, ऑप्शंस नन ऑफ दीज। साइन ए में रिलेशन, साइन ए साइन बी साइन सी में रिलेशन चाहिए मुझे, दिया कोसाइन है,
कैसे मैं उसकी तरफ मूव करूं, ऐसे नहीं रैंडमली कोई उठाया और मतलब दो टर्म्स को ऐड कर दिया, नहीं सब एक बार सोचा उसके बाद आगे प्रोसीड किया, मतलब एक दो उसके दिमाग में बन जाने चाहिए कि हाँ मैंने इसको ऐड किया तो ये टर्म आएगा, फिर इसका मैं क्या करूँ। माइंड में एटलीस्ट दो तीन स्टेप रीड करोगे जब भी तेज दिमाग चलेगा, नहीं तो आदत लगी है कि मैं तक नहीं है उधर मैंने प्रॉब्लम है। और ऐसा भी नहीं सोचते रहे कुछ करा ही नहीं, ऐसा भी नहीं पहले सोचना चाहिए। देखो इधर कौन से अब मतलब किसको क्लब करें, एक सिंपल सा थॉट है। हाँ ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे हम इधर से कॉस भी निकाल के इसको देंगे, फिर एक आम इंसान तो यही सोचेगा इस टर्म ये टू है ये टू तो हम एक और क्या हो जाएगा हमारा वन माइनस कॉस टू थीटा वाला, ठीक है ना। तो क्या करूँ मैं इन दोनों को क्लब कर लेता हूँ और इसको उधर भेज देता हूँ तो उधर मेरा वो हाफ एंगल जनरेट हो जाएगा। वेरी फर्स्ट स्टेप आई थिंक ये सोचा होगा बहुत से लोगों ने, तो करते हैं। तो कॉस ए प्लस कॉस सी टू कॉस ए प्लस सी बाई टू कॉस ए माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू टू माइनस टू कॉस बी, टू कॉमन लेने के बाद वन माइनस कॉस बी दैट इज टू साइन स्क्वायर बी बाई टू टू फोर साइन स्क्वायर बी बाई टू तो टू इंटू टू साइन स्क्वायर बी बाई टू, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक होगा मान लिया एज्यूमिंग दिस इज क्लियर। चलो अब कट्टा पिट्टी कर दे थोड़ी, क्या काटूँ मैं बस कल बताया था ना, तो फाइनली अभी तक मेरी इक्वेशन ये लिखी है कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू इक्वल टू टू पक्का। अच्छा किसकी कमी दिख रही है आपको सोचो, अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें तो एंगल बी है, बी बाई टू थोड़ी है, अब मैं बी बाई टू से बी पे कैसे जंप करूंगा, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूं कॉस बी बाई टू, देखो खुद ही जवाब दे रहे हो कॉस बी बाई टू, और एक मिनट ठीक है एक मिनट हाँ ठीक है
अब मैं क्या करूँ दोबारा इसको, मैं एक्चुअली काट तो दिया था मैंने, बट इसको नहीं भी काटता तो चलता, नहीं काटना तो पड़ता। इसको क्या लिखूँ मैं, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, सॉरी ए प्लस सी बाई टू, और फिर हो गया। एक एक स्टेप धीरे धीरे क्लिक हुआ अभिषेक। एक के बाद, हाँ इसके बाद, इसके बाद साइन ऑफ ए प्लस सी बाई टू, कल बताया था ना, साइन ऑफ ए प्लस सी बाई टू। अब मैंने क्या किया, इसको टू से और मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा ऊपर वाला स्टेप रहने दिया। चलो नहीं, एक्चुअली मुझे कैंसिल करके ये मल्टीप्लाई करना था इसलिए लिखा मैंने, ओके वॉट एवर। अब इधर टू साइन ए कॉस बी, और इधर तुम्हारा बनी क्या साइन बी। मैंने वही बोला था ना, जो एंगल एक्चुअली हमारा हाफ में कन्वर्ट हो गया था, बट हमें दोबारा फुल पे जाना था ना। चलो फिर अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है, रिलैक्स हो गए। चल लिख लो पहले, सिंपल है ये, तो इस टाइप का वैसे तुमने शीट में किया होगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर है क्या, एग्जैक्टली सेम। चलो कर लो वैसे, दोबारा कर लेना, नोट्स में भी हो जाएगा। देन abc rn, इफ दिस रिलेशन होल्ड्स देन वी हैव टू फाइंड abc rn ap gp hp agp व्हाटएवर सीरीज, ठीक है, विल डिस्कस इट टुमारो। और हाँ टुमारो होमवर्क का डिस्कशन कर ले, क्या होना चाहिए, व्हाट यू विल डू फॉर संडे। और हाँ ट्रिग्नोमेट्री का भी बोले, बोलो पता नहीं मुझे बोले लेना है, ठीक है ना, सो बेसिक्स कर लेना ऑनलाइन, मतलब नहीं पता नहीं ग्रुप भी आएगा लेकिन सॉफ्ट कॉपी, आई डोंट नो जो भी, उससे क्या मतलब है, नहीं नहीं स्कूल नहीं आना, स्कूल डेफिनेटली नहीं, और आना भी हो तो मजा आना, that is wasted of time. क्या करोगे फिर कल के लिए, बता जल्दी बताओ, आड़ी चलो ना, ठीक है थोड़ा देखो कोशिश ये करा करो कि मतलब वॉच लेके बैठो जस्ट लाइक ए टेस्ट, ठीक है, एक घंटे में 10 क्वेश्चन होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उससे पता तो चलेगा, अभी तो हम है, अभी तो लेके बैठ गए और कर रहे हैं, फिर आखिरी में बॉस का जो उसका पूरा दिन मैथ में निकल गया, अरे भाई किसने बोला पूरा दिन देने को, एक घंटा दो बस बहुत है, संडे को ज़्यादा दो तो छुट्टी रहती जैसे, लेकिन बाकी दिन एक घंटा दो बहुत है, लेकिन वो एक घंटा टाइम के साथ दो ना, एंड डोंट जैसा भी कुछ इधर भी पढ़ लिया घर जाके भी, तो वैसा नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव टाइम नहीं है तुम्हारे पास डबल डबल रिपीट करने का, ठीक है ना, तो कोशिश करो कि यही हो जाए कंप्लीट लेक्चर। तो आर डी शर्मा कितना क्वेश्चन, 30 संडे है ना, हो जाएंगे तो टारगेट लेके ना सवा घंटे कितने होते हैं, मतलब